जो सब गाइस कैसे हो लोग। तो आज की वीडियो में हम दोबारा से खेलने जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज वीडियो में यार मैंने दोबारा से सर्वाइवल सीरीज शुरू की है भाई, क्योंकि यार पिछली सर्वाइवल सीरीज मेरी यार बम हो गई थी, तो आपसे तो अब नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो लेट्स बिगिन। हेलो, तो दोस्तों यार अब हमारी माइनक्राफ्ट की जर्नी शुरू हो चुकी है, बहुत ही मुश्किल हो गई है, मगर गाइस आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मैं एकदम तरीके से। ओ यार ये सामने इतना बड़ा जंगल है, यहीं पे घर बनाऊंगा। यार डैमेज बड़ा गंदा पड़ता है फाल का। चलो जल्दी से चलते हैं। किसने इतना डैमेज खाया आज तक? भाई मैं कितना नूब हूँ इस गेम के अंदर, मतलब इतना भी नूब नहीं हूँ, प्रो भी हूँ, मगर यार एक अजीब सा लगता है कि यार जम। चलो जल्दी से लकड़ियाँ शकड़ियाँ तोड़ लेते हैं, अपने तलवार शलवार बना लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा और मज़ा आएगा और क्या कहूँ मैं, और बहुत मज़ा आएगा। चलो भाई। ओह कुत्ता कुत्ता, ये कुत्ता दिखा मुझे, प्यारा सा कुत्ता। ओए ओए कुत्ते, ओए कुत्ते उसको मार रहे हैं, ना मारो, मैं इनको मारूँ? यार रुक जाओ ना यार, मैं इसको बचा भी नहीं सकता, बड़े खून खा रहे हैं यार। मारो उसको जितना मारने मारो, मैं तो जा रहा हूँ, मैं किस खेत की मूली हूँ भाई, मैं भाग रहा हूँ, भागो भागो भाई भागो भाई। वो अच्छा मैं भाग गया, वरना वहीं मारते, मगर मैं ना तलवार बना के इनको ज़रा छिप के आऊँगा, क्योंकि मैं दुख तो है यार, मैं उसको बचा नहीं पाया। जल्द से बना लेते हैं अपनी सॉड और जो है जो चीज़ें होती हैं शायद, हाँ ये ऐसे क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगी। ठीक, यहाँ पे हम बना लेंगे सॉड और एक्स और वो मैंने आप सभी से एक बात की थी कि मेरे चाचे का बेटा जो था, तो वो यार वो चाचे का बेटा जो है ना मेरा दोस्त हो चुका है, और उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया माइनक्राफ्ट के बारे में। ये रहा भाई वुल्फ। अबे यार ये अभी बेचारी शीप है ना, हाँ शीप के बच्चे को मार रहा, छोटू छोटू को। ओह ये गोश्त दिया शीप ने, अपने अंदर से गोश्त निकाल के दिया। और यहाँ पे ये क्या है? अच्छा ये मुझे वूल भी मिली है, वाह भाई वाह, प्यारा प्यारा शीप है ये तो। कहाँ गई बेटा? इधर ही नहीं ना, मम्मा को ढूंढ के लाया मैं तुम्हारी पहाड़ में। जाए मुझे क्या, मुझे कुत्ते को मार रहा था, जहाँ मर दी, अपने अंदर का गोश्त निकाल के दे दिया। चलो अब मैं ज़रा ना घर बनाने की सोचता हूँ कि कहाँ बनाना है घर। तो यार एक तगड़ी लोकेशन पर होगा आप, और यहाँ पर ना क्राफ्टिंग टेबल के अंदर पिकेक्स भी बना लेते हैं, बहुत अच्छी रहेगी वो भी, और लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, और लकड़ियाँ भी तोड़ लेते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ इस दरख्त के ऊपर काफ़ी अच्छी लगेगा घर हमारा, जल्दी से मैं बना लूँगा अभी तो, पहले ना पहले बेसिक काम कर लूँ। चलो भाई जल्दी से मैं पिकेक्स बना लेता हूँ अपनी। ओके मैं अब क्राफ्टिंग टेबल भी तोड़ लेता हूँ। चलो भाई यहाँ पे अब गाय, चल भाई हम गाय को भी नहीं छोड़ेंगे, हम खूंखार हैं, क्योंकि ना माइनक्राफ्ट के अंदर ना सिर्फ जुल्म होता है यार, मुझे ना यही देखा मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर, वो कुत्ता उसको मार रहा है, मैं कुत्ते को मार रहा हूँ। ओए नहीं, अबे यार मैं मर गया, यार मैं मर गया, पता नहीं क्या, पता नहीं इतनी बड़ी खाई थी जोड़ यार। ओके गाइस मैं दोबारा से अपने सामान ले आया हूँ, मतलब जहाँ पे मैं मरा था, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे घर ढूंढने की तलाश में, और सामने आ रही है ना वो दरख्त, मैंने चूज़ कर लिया, मैं उसी पे घर बनाऊँगा, ठीक है मुझे, क्योंकि ना वो ना एकदम कमाल लग रहा है, पहाड़ के सामने एकदम पहाड़ का व्यू भी दे रहा है, क्योंकि आस्तुरु शास्त्रु के हिसाब से यही ठीक है। देखो फॉक्स भी आ गई है प्यारी प्यारी, और उसके बच्चे भी हैं, कितने प्यालू प्यालू हैं, देखना गाइस इसी के बारे में एक लाइक तो दबा दो यार। चलो अब घर अपना घर ही बनाते, फजूल बातें बाद में करेंगे। मेरे ख्याल से ना इसको ना ऐसे गोल गोल काट काट के ना एक सीढ़िया टाइप बनाऊँ, है ना, काफ़ी सारी वुड हो जाएगी उसी वुड से मैं घर। ओके गाइस मैंने काफ़ी सारे मतलब ना दरख्त के ऊपर ना एक प्लैंक से एक जगह बना ली, और इसके अलावा ना नीचे मैंने सीढ़ियाँ सी बना दी लकड़ी की, जो कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल काम की, और मेरे पास काफ़ी सारी लकड़ी हो जमा हो चुकी है अभी, मैंने उसके प्लैंक भी काफ़ी सारे बना लिए,
बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अब तो। चलो जल्दी से ना यहाँ पे ना, ओके गाइस सुबह हो चुकी है क्योंकि ना रात को भाई बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, तो यहाँ पे अब मैं काम ठीक शुरू करूँगा वरना ना रात को नज़र नहीं आता कुछ भी। चलो भाई अब यहाँ पे ना ऐसे पिलर खड़ा करते हैं पांच पांच ब्लॉक के, एक पाँच पाँच ठीक है, यहाँ से ब्लॉक लगाते हुए चलते हैं, दो तीन चार पाँच ठीक है। यहाँ पे अब मैं ऐसे ब्लॉक लगाऊंगा, यार ये फजूल में जो लगते हैं ना मुझे गुस्सा आता है तब तोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे चढ़ जाते हैं और यहाँ से अब लगाते हैं, और मैंने ना नई कुल्हाड़ी बनाई थी, मेरी कुल्हाड़ी टूट गई थी तो नई कुल्हाड़ी बनानी पड़ी मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान। ओके गाइस मैंने यार अब ये चारों तरफ पिलर खड़ा कर दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ना इसके ऊपर ना एक ये स्लैब लगा दूंगा, ये स्लैब ही होते हैं ना, मुझे याद नहीं है वैसे, ठीक स्लैब ही होते हैं शायद। चलो गाइस अब जल्दी से ना हम यहाँ पे ना यार रूफ बना लेते हैं और घर तो प्यारा लगेगा, मेरा गारंटी है। अगर घर प्यारा ना लगे ना पैसे वापस, हाँ पैसे वापसी भाई। तो मैं जल्दी से ना, ओके गाइस मैं ना बोल नहीं पाया मगर मैंने रूफ टॉप बना ली है काफ़ी अच्छी। अब मैं ना इसके ना साइड साइड पे वो लगा लूँगा प्लैंक लगा लूँगा और यहाँ मैं ना काफ़ी वुड निकाल लेता हूँ। चलो भाई यहाँ पे लगा लेते हैं, अब घर तो प्यारा लगेगा, लग तो रहा है, अब एंड में फाइनल टच देंगे तो पता चलेगा। और यहाँ पे हमने ये भी लगा लिया और ये यार यहाँ पे भी ब्लॉक लगा लेते हैं, और यहाँ तक तो ब्लॉक नीचे उतर के ही कर लेते हैं। ओके अब यहाँ पे लगा लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। चलो ओके गाइस मैंने दोनों साइड कवर कर दिया और मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पास वुड कम है, ये दोनों साइड यार खुला रहने देते हैं क्योंकि ना ये माउंटेन का व्यू दे रहे हैं, सामने माउंटेन है इतना बड़ा बर्फ़ का और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसलिए मैंने यार ये साइड खुली रहन दी। और यहाँ मैंने क्राफ्टिंग टेबल है, इसमें मैंने थोड़ी बहुत चेस्ट बना लेना ताकि मैं यार ना अपना सामान रख पाऊँ क्योंकि ना यार अच्छा नहीं लगता कि सामान आगे पीछे गुम हो जाए, तो यहाँ मैं अपनी लकड़ियाँ रख देता हूँ, वैसे सामान में तो लकड़ियाँ ही हैं मेरे पास, और यहाँ पे लकड़ी लकड़ी और स्टिक रख देते हैं। यहाँ पे ना एक जगह बना लेंगे क्योंकि ना लकड़ी के मतलब दरख्त के ऊपर से आने का ना रास्ता तो यहाँ तक है ना, ऊपर भी आने का रास्ता होना चाहिए कुछ इस तरीके से, हाँ रास्ता होना चाहिए। और यहाँ पे ये फजूल की जो लगी हुई है इसको भी मुझे ठीक करना ही होगा। ओके गाइस मैंने यार ऊपर से मैं नीचे गिर गया था और नई एक्स भी बनानी पड़ी, तो अब मैंने तो गाइस यार मैं जल्दी से यहाँ पे ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे दोबारा से यार मेरी एक्स जो है ना टूटने वाली थी, पहले भी मेरी एक्स जो है टू नहीं बनानी पड़ी थी मुझे, और अरे ना सनसेट यहाँ पे सनसेट हो रहा है और मैंने एक चीज़ देखी है तो यहाँ पे चांद आ रहा है, मतलब ये क्या लॉजिक है ये समझ नहीं है मुझे। रियल लाइफ के अंदर यार आप लोगों ने देखा है होता तो है, मैंने देखा है जब मैं रात होने वाली थी ना तो मैंने देखा था सूरज भी एक साइड भी लिख रहा था, चांद भी एक साइड भी लिख रहा था। और यार ये एक बात है यार माइनक्राफ्ट के अंदर रेनबो निकलता है शायद जब बारिश हो रही हो और सूरज निकला वो, मुझे नहीं यकीन वैसे माइनक्राफ्ट इतनी भी रियल अच्छी गेम होगी यार, गेम तो कमाल है मगर माइनक्राफ्ट वाले नाराज ना होना, रेनबो भी डालना चाहिए अगर नहीं है तो माइनक्राफ्ट वालों को, तो कुछ अलग लेवल पर पहुंच जाएगी गेम, मज़ा आएगा फिर। चलो अब छत पे चलते हैं, बहुत मज़ा आ गया, तो अब यार छत पे चढ़ते हैं और छत पे पहुंच चुके हैं हम। चलो तो गाइस आज की वीडियो में बस नहीं, तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करें क्योंकि यार बुरा लगता है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है। तो तब तक के लिए से ऑल्सो गुड बाय।